वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज 4 दिसंबर 2020 को बीएसएससी के खिलाफ जो महाधरना था, स्टूडेंट का महाआंदोलन था, इंटरमेंस जल्द से जल्द करवाने के लिए, उस एडमिट कार्ड जारी करवाने के लिए, तो इन सारे मुद्दे पर पूरे दिन क्या क्या हुआ, हर एक छोटी से बड़ी बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका नेट रिजल्टेंट कितना रहा, कितना आपके खिलाफ रहा, कितना आपके पक्ष में रहा, और इसके बाद आगे की राह क्या है, तो हर एक चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह 10 बजे बुलाया गया था, तो करीब 11 से 12 बजे के आसपास तक स्टूडेंट का हुजूम खड़ा हो गया था। वहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच गए थे और वो अपनी बातों को लगातार रख रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि बीएसएससी के किसी अधिकारी से बात हो सके, किसी लोग से बात हो सके, वो बहुत कोशिश की, लेकिन बीएसएससी की तरफ से बिल्कुल अड़ियल रवैया था। उसके गेट तक कोई आने के लिए तैयार नहीं था। इस पर छात्र काफ़ी उग्र हो गए, उन्होंने नारेबाजी भी की। इस सब के बीच में उन लोगों के खिलाफ जो है पुलिस बल का प्रयोग किया गया था बीएसएससी की तरफ से। उनको दबाने की कोशिश की, उनको क्लच चलने की कोशिश की, और जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले ने उनके साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया, ना सिर्फ अभद्रता के साथ व्यवहार किया बल्कि और भी बहुत बातें थी जो स्टूडेंट के खिलाफ थी। खैर, ये उसका मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि जिस लक्ष्य को लेकर स्टूडेंट गए थे उसका क्या। छात्र लगातार कोशिश कर रहे थे, छात्र बहुत कोशिश किए कि उनके किसी अधिकारी से बात हो, वो डटे रहे। करीब 2-3 बजे के आसपास आपको बीएसएससी के कुछ अधिकारी, काफ़ी जब उन पर दबाव बन रहा था तो वो बाहर आए और बस इतना ही बात कहते रहे कि देखिए अब मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट के हाथों हम बंधे हुए हैं, डायरेक्ट मेरे पास कुछ है नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं ज़्यादा कुछ, तो कोर्ट वाली बात है, जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक आगे बात नहीं होगी। स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि तो फिर आपने इससे पिछले दिन एसडीए वाली बात क्यों बोली थी, तो उन्होंने बस इतना कहा कि हम लोग बस कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी तक कोर्ट से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इसलिए हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। बेसिकली छात्र ये बोल रहे थे कि आप एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी कीजिए, तो ऑब्वियसली जब मामला कोर्ट में हो तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनका बस यही टोल मोल रवैया था। लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल दृढ़ चट्टानी एकता के साथ वहाँ पर गए थे, अपने उत्साह के साथ गए थे, वो टस से मस हटने का नाम नहीं लिए, वो अंतों अंत तक वहाँ पर डटे रहे थे वह बीएसएससी के गेट के सामने। और जब उन लोगों के पास चारा नहीं बचा, जब बीएसएससी के अधिकारी के पास चारा नहीं बचा, तब जाके उन लोगों ने इन लोगों के सामने डेलीगेशन मीटिंग की बात की कि चलिए आप 2-3 लोग आइए और हमसे बात कीजिए, लेकिन छात्र उस पर भी नहीं माने। वो हर एक चीज़ चाह रहे थे कि आपको लिखित में उन लोगों से मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच करीब करीब आपको शाम के 6:30 से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। अंत में जब बीएसएससी के अधिकारियों को ये लग गया कि छात्र वहाँ से जाने वाले नहीं हैं, करीब करीब आपको शाम के 6:30 से 7:45 बज गए थे, तब जाके एक अधिकारी बाहर निकले। आप देख रहे हैं कि उन्होंने डेलीगेशन के लिए स्टूडेंट को अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट इस पर राजी नहीं हुए। कुल मिलाकर वहाँ पर मोटे मोटे तौर पर बात ये हुई कि उन्होंने भी इतना ही कहा कि आपको जो है मामला कोर्ट में है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कोर्ट का जो गाइडलाइन है, मतलब 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट का फिर से ओएमआर सीट का पब्लिकेशन, जिसके आधार पर आपको पीटी का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके बाद उसका 14 दिन के अंदर आपको मतलब कि आपत्ति ऑब्जेक्शन, उसके बाद उसका कमेटी बनाने के बाद, तो सब कुछ करने के बाद हम लोग मैक्सिमम आपको 30 तारीख तक एग्जामिनेशन करवा पाएंगे, 30 दिसंबर तक, ठीक है ना। ये मतलब वहाँ पे जितने भी जो मौखिक रूप से बात हुई थी उसके आधार पे, ठीक है, उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम लोग एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन 13 को हर हाल में ले लिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल कम है, तो लिहाजा हम दूसरे ऑप्शन पर भी काम कर रहे हैं, और वो काम ये है जो कि आपको कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपका मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर तक एग्जामिनेशन ले लें। इस पर स्टूडेंट का कहना था कि ठीक है आप 30 दिसंबर को जब एग्ज़ाम लीजिएगा तो ये भी आप लिखित में दे दीजिए, लेकिन उस पर भी वहाँ पर राजी नहीं हुए, तो क्लूला के बाद ये हुआ कि वार्ता असफल रह गया। हालांकि स्टूडेंट अंदर गए ही नहीं, बाहर से ही जो भी बात हुई वार्ता वहीं पर आपको ख़त्म हो गया, बात आगे नहीं बढ़ पाई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे आगे का राह क्या। देखिए अब जो संभावना आपको 13 तारीख को एग्जामिनेशन की है वो बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही नग्न है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी तक बीएसएससी के द्वारा कैंसिलेशन का भी नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया है। तो हाँ, इतना बात सच्चाई है कि बीएसएससी कोशिश में इतनी लगी हुई है कि किसी तरह से एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन जरा आप लोग में से किसी ने भी मेरे कल के वीडियो को देखा हो, कल सामने मैंने जिस वीडियो में कहा था कि बीएसएससी जवाब दो, छात्रों को गुमराह करना बंद करो, बरगलाना बंद करो, उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत ही प्रमुखता से उठाया था। लोग अक्सर बोल रहे हैं कि अरे यार 99% चांस है कि एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि जो 1% बाकी है वही बीएसएससी के भी लोचा है। बीएसएससी की हाल वो छाप सुंदर वाली हो गई है, एक तरफ छात्रों का दबाव है तो वो डायरेक्ट इसको कैंसिल करने के लिए भी नहीं जा रही है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आपको कोर्ट का फैसला है, तो ना वो निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। वो जो 1% जो इस 1% की बात की जा रही है, उसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि वो रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है ना,
और फिर से जो रिवाइज होगा तब उनके लिए एक समस्या हो गई। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जिनका पीटी में एग्जाम में हो गया है रिजल्ट, जो मेंस देने वाले हैं और रिवाइज रिजल्ट होगा, एक बात तो कन्फर्म है रिवाइज रिजल्ट होगा, तो एक चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से कन्फर्म हो जाइए कि जितने भी लोग का पीटी हो चुका है जो मेंस में बैठ जाइएगा उनका रिजल्ट नहीं छटने वाला है। जी हाँ, इस चीज़ को आप मान लीजिए। और जो नए लोग आएंगे उनका फिर से रिजल्ट होगा, ठीक है ना, उनको फिर से वो एग्जामिनेशन वगैरह करवाएंगे। तो बीएसएससी इस प्ली को लेकर, इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ रही है, ठीक है। हालांकि मतलब कि जो भी आपको प्रोसीजर होते हैं, मतलब कि एग्जामिनेशन के, उसमें क्या होते हैं ना, एडिशन होता है, रिजल्ट का एक्स्ट्रा एडिशन होता है, अभी तक का यही ट्रेंड रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली जो अमूमन होता है यहाँ से इसको हटाया नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो बीएसएससी ये तथ्य वहाँ पर रख रही है, इसीलिए बीएसएससी अभी तक खुलकर कैंसिलेशन का नोटिस भी नहीं दे पा रही है, ठीक है ना, वो कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जो आज के वार्ता का मतलब जो अंतिम रूप में वार्ता क्या हुई है बोलिएगा, अंतिम में जो भी उसको बोलिए अनऑफिशियल जो भी बातचीत है, उसका जो आउटकम ये है कि बीएसएससी अब इतना मान के चल रही है कि एग्जामिनेशन फिलहाल नहीं होने वाले हैं, और वो बिल्कुल सही है। आप कोर्ट के, अब कोर्ट ने आपको स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि आप एग्जामिनेशन कैंसिल कर दीजिए, लेकिन उसने जो आपसे जिस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला है उसके अकॉर्डिंग संभव ही नहीं है कि आप इस प्रोसेस को स्किप करके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लें। हालांकि अब देखना ये है कि बीएसएससी कब तक इसके संबंध में कोई भी नोटिस जारी करती है। एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन के संबंध में तो उन्होंने कहा है अंतिम तक ठीक है, कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हकीकत यह है कि अब एग्जामिनेशन की संभावना है जैसे जैसे हो रही है 13 तारीख को नहीं होगी, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है 13 तारीख को होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। बस कोशिश ये हो कि जो इसका जो टाइम पीरियड है कोर्ट का, आप देख लीजिए दो चीज़ हैं, 21 दिन का जो टाइम पीरियड दिया है जिसमें आपको 2-3 दिन निकल गया है, यानी कि 7 दिन रिजल्ट पब्लिकेशन और आपको 14 दिन, इसके बाद यदि भी एग्जामिनेशन वो नहीं करवाती तब आप लोगों के पास बहुत कुछ चांस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इसके कैंसिलेशन के संबंध में वो नोटिस देती है या फिर आगे देती है। ये बहुत ही एक दुविधा की स्थिति है, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो बाहर हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि 13 को एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके संबंध में भी वो नहीं दे रही है, एडमिट कार्ड जारी कर रही है, यदि कैंसिल करते हैं तो उसके संबंध में नहीं भी दे रही है। बहुत ही मतलब जो बीएसएससी की तरफ से अभी तक उभाव की स्थिति बनी हुई है। तो वर्तमान की स्थिति यही है कि आज का दिन एक मिला जुला रहा, ठीक है ना, और नेट रिजल्टेंट आप ये बोल सकते हैं जो एज यूजुअल था, जहाँ पर आप कल भी थे आज भी आप वहीं पर हैं। फिलहाल ये कह पाना कि 13 को एग्जामिनेशन हो रहे हैं बहुत ही मुश्किल है, और ये कह पाना कि आपको एग्जामिनेशन आगे जाएंगे ये आपको बहुत हद तक संभव दिख रहा है। मतलब अरे तो बात करोगे ना भाई इनसे? नहीं ना, तो कल हम परसों गए थे सर, सामूहिक का 3 आदमी, चलो 5 जनी है, ठीक है सर। आप अपने में से, अरे भैया अपने में से 2 आदमी 3 आदमी 5 सुनिए सर, आप कितना जाएंगे यार भैया, जो करना है जाओ, हम नहीं जा रहे हैं, थोड़ो थोड़ो आग लगा तोड़ेंगे सर, तोड़ेंगे फिर आप बोलते हैं नहीं चला,